महुआ मांझी होगी जेएमएम की राज्यसभा प्रत्याशी, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। तमाम अटकलों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस बार पार्टी की महिला नेत्री महुआ मांझी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इन बातों पर अब विराम लग गया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस ने एक सीट के लिए जेएमएम पर दबाव डाला था। साफ है कि इस बार भी जेएमएम ने कांग्रेस पार्टी के मांग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली गए थे। दिल्ली में देर रात उन्होंने कांग्रेस नेता से मुलाकात की। उसके बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि जेएमएम ने राज्यसभा के एक सीट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। हालांकि अब जेएमएम के प्रत्याशी दिए जाने के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, इनकी जानकारी आपके द्वारा पता चल रहा है, लेकिन आला अधिकारी से बात करने के बाद ही कुछ बयान देंगे। जेएमएम के महुआ मांझी उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस में काफी नाराजगी देखी जा रही है। और अंत में आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ मांझी जी होंगे। और अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, जेएमएम ने महुआ मांझी के नाम की घोषणा की है, क्या प्रक्रिया रही कांग्रेस? आपके माध्यम से हमें भी ये बात पता चली है कि जेएमएम ने जेएमएम के प्रत्याशी की घोषणा की है। हमारे दल के सभी वरीय नेता से अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है, और जब इस पर चर्चा हो जाएगी तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस का बयान भी आपके सामने आ जाएगा। कहा जा रहा था कि महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, लेकिन क्या लगता है इसे? मैंने इसीलिए कहा कि आपके माध्यम से हमें भी पता चला है कि जेएमएम के प्रत्याशी की घोषणा हुई है। क्या जेएमएम ने आपको बताया नहीं था कि उम्मीदवार घोषणा कर रहा है? ये अभी इस पर हमारे नेता अधिकारी की चर्चा होगी। नो कॉमेंट्स। इसे क्या माना जाएगा, कांग्रेस की हार, छोटा भाई का सम्मान नहीं देना? नहीं, आप विवेचना करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। नो कमेंट्स। पर जब चर्चा हो जाएगी, चूंकि हम राष्ट्रीय दल हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से भी इस संदर्भ में बात होगी, उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान। दिल्ली में मीडिया से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि साझा उम्मीदवार होगा और यहाँ आपके जेएमएम को उम्मीदवार घोषित कर देना। अब इसका, इस सवाल का जवाब तो आपको माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने वक्तव्य दिया था। आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा कांग्रेस का? मैंने कह दिया कि हमारे तरफ से अभी हमारे वरीय नेताओं से जब इस बात पर चर्चा हो जाएगी तो आपको आधिकारिक रूप से सूचना दे दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भी ट्वीट किया था कि आ रही है कांग्रेस अचानक।